चीन का हमेशा से भारत को लेकर डर्टी प्लान रहा है। अब जो खुलासा उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीनी नेतृत्व ने 1960 के दशक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख अब्दुल्ला को राज्य में सशस्त्र विद्रोह शुरू करने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि चीनी नेता चाउ एन लाई ने अल्जीरिया में हुए कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऑफर दिया था। इस मौके पर अल्जीरियाई नेता अहम बिल बेला भी मौजूद थे, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को यह ऑफर स्वीकार करने से मना किया। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी के युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, चीन के इस प्लान के बारे में बताया। अल्जीरियाई कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के नेता चाउ एन लाई ने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को राज्य में सशस्त्र बगावत शुरू करने में सहयोग करने का ऑफर दिया था। हालांकि उन्होंने यह ऑफर स्वीकार नहीं किया। वह नहीं चाहते थे कि राज्य के युवा को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। मतलब चीन शुरुआत से ही कश्मीर को चैन की नींद सोने नहीं देना चाहता था। ऐसे में उमर का ये खुलासा चीन की डर्टी पॉलिटिक्स को साफ करती है।